हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम ऑफ सर्कल एंड्स टुडे कि हमारे सर्कल एंड्स ऐसे लेगी से और ऐसे स्ट्रेच्ड आउट क्यों हो जाते हैं, क्यों उनके लीव्स के बीच का ये डिफरेंस बढ़ने लग जाता है, क्यों उनका ये जो घनापन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसका रीज़न क्या है और इस चीज़ को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। सो लेट्स स्टार्ट विद द सकलेंट नाउ। और सबसे पहले जानते हैं इसका रीज़न कि सकलेंट्स हमारे ऐसे स्ट्रेच्ड आउट या फिर लेगी से क्यों हो जाते हैं, इनके बीच का ये जो डिफरेंस है वो क्यों इंक्रीज होने लग जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है लेसर अमाउंट ऑफ सनलाइट। अगर हम अपने सकलेंट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं प्रोवाइड करते तब उनकी ये कंडीशन हो जाती है। और कम सनलाइट होने की वजह से सकलेंट्स के ऊपर दो मेन इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो आप देख रहे हैं कि जो ऐसे लेगी सा हो जाएगा और टाइम के साथ कुछ जो उसकी पुरानी लीव्स हैं वो निकलेंगी ही, तो जो ऊपर की नई लीव्स हैं उनके बीच का डिफरेंस भी जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है अगर उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिलती है। और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है सकलेंट्स के कलर्स के ऊपर। अगर आपने कलरफुल सकलेंट्स ग्रो किए हैं और उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट या डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड नहीं की तो वो अपने कलर्स मेंटेन नहीं कर पाते और नॉर्मल ग्रीन से शेड में वो आ जाएंगे। गुड न्यूज इज कि अगर आपके सकलेंट्स का कलर चला गया है तो अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करवा देंगे या जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट उसे चाहिए अगर वो प्रोवाइड आप करवा देंगे तो उसका जो कलर है वो वापस आ जाएगा। बट बैड न्यूज इज कि अगर आपका सकलेंट इस तरह से लेगी हो चुका है तो वापस सनलाइट प्रोवाइड करवाने से वो ठीक नहीं होगा। उसकी जो न्यू ग्रोथ है, जो ऊपर की जो न्यू ग्रोथ आएगी वो प्रॉपर तरीके से आएगी, वो लेगी नहीं रहेगी आने वाली ग्रोथ। बट जो ऑलरेडी सकलेंट स्ट्रेच्ड आउट हो चुका है उसे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंड द बेस्ट न्यूज इज इन स्ट्रेच्ड आउट सकलेंट्स को हम फिक्स कर सकते हैं, इनको हम प्रोपोगेट करके न्यू प्लांट्स बना सकते हैं एंड एक ही सकलेंट के तीन डिफरेंट पार्ट्स को हम प्रोपोगेट करके उसमें से न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट जो न्यू प्लांट हमारे बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा बुशी बनेंगे। प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट जब उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा तो पूरा आपका एक सकलेंट गार्डन तैयार हो जाएगा जब आप इन स्ट्रेच्ड आउट सकलेंट्स को फिक्स करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने लेगी सकलेंट्स को या स्ट्रेच्ड आउट सकलेंट्स को फिक्स कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं अपने इन तीन सकलेंट्स को फिक्स करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं और इनकी बेटर पोजीशन या बेटर शेप में इनको लेके आ सकते हैं। सो लेट्स गेट क्लोजर टू द सकलेंट्स फॉर द बेटर व्यू। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इन सकलेंट्स को फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक शार्प प्रूनर। इसे अच्छे से स्टेरिलाइज कर लीजिए, मैंने इसे स्टेरिलाइज कर लिया है, या फिर एक आप फ्रेश ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्टेरिलाइज होते हैं। स्टेरिलाइज करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है कि जैसे सबसे पहले मैं इस अपने सकलेंट को ट्रीट करूंगी, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक बेबी प्लांट जो है वो ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ये जो स्टेम है इसके ऊपर बेबी प्लांट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला काम हमें करना है इसको यहाँ से, इसको मेन स्टेम जो लेग्ड आउट हो चुकी है इसको यहाँ से हमें प्रून कर देना है, कुछ इस तरीके से। इसको मैं यहाँ से प्रून कर दूंगी। अब इसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट ऐसे ही सेटल्ड है पूरी तरीके से, इसके रूट्स पूरी तरह से डेवलप्ड हैं, तो ये अपने आप खुद को रिकवर करके यहाँ पे इसके बेबी प्लांट जो हैं वो प्रूनिंग के बाद आने शुरू हो जाएंगे और ये प्लांट आपका फिर से तैयार हो जाएगा। इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा वो सकलेंट है जिसे मैंने अभी कट किया है और आप देख सकते हैं कितनी लंबी इसकी ये जो स्टेम है वो बन चुकी है। यही काम अब मैं बाकी के दोनों सकलेंट्स के साथ भी करूँगी। ये सकलेंट देखिए, इसमें मैंने तीन कटिंग्स इसकी ग्रो की थी बट ये मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तक शेडी एरिया में रहेगी, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो सारी स्ट्रेच हो चुकी है, इसकी स्टेम पूरी लेगी सी हो चुकी है, तो इसको भी मुझे प्रून करना पड़ेगा। जैसे इसकी ये जो दो लीव्स हैं ये बिल्कुल सही लग रही है मुझे, तो इनको छोड़ते हुए मैं इसको यहाँ से प्रून कर दूँगी। ऐसे ही ये है इसकी जो लास्ट की एक दो लीव्स छोड़ के मैं इसको यहाँ से प्रून कर दूँगी। और ऐसे ही इसकी जो स्टेम है ये काफ़ी लेगी हो चुकी है, तो इसको मैं पूरा ही प्रून कर रही हूँ यहाँ से। इस प्लांट को भी, इस पॉट को भी मैं एज इट इज़ ही छोड़ दूँगी। इसमें से जब न्यू स्टेम्स, न्यू ग्रोथ निकलेगी तो ये प्लांट अपने आप रेडी हो जाएगा। सेम चीज़ मुझे इस प्लांट के साथ करनी है। अब ये देखिए, जब ये प्लांट मैंने परचेज़ किया था तो ये पूरी तरह से बुशी प्लांट था, पर जब मैंने इसे रिपोर्ट किया तो मैं इसको शेड में रख के भूल गई, उसके बाद ये थोड़ा सा लैगी हो गया। इसी वजह से इसकी जो नीचे की ग्रोथ है वो बिल्कुल सही लग रही है, सेंटर का पोर्शन जो है वो लैगी हो चुका है, और जब मैंने इसे सनलाइट में वापस ट्रांसफ़र किया तो इसका ये जो अपर पोर्शन है जिसे कि रोजेट बोलते हैं हम,
इसका जो रोजेट का पार्ट है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। तो इसका भी मुझे क्या करना है कि ये जो इसका स्ट्रेच्ड आउट पार्ट है यहाँ से मैं इसको प्रून कर दूँगी। तो प्रून करने के लिए मैं इस एरिया से इसको इस तरीके से प्रून कर दूँगी। तो ये जो मेरा प्लांट है ये अपने आप से तैयार हो जाएगा। यहाँ से जब बेबी प्लांट्स निकलेंगे तो बल्कि ये पहले से भी ज़्यादा बेटर कंडीशन में आ जाएगा जब ये पूरी तरह से अपने बेबी प्लांट्स के साथ फुल हो जाएगा। तो अब ये है वो हमारे सकलेंट्स जिनको हमें ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए सबसे पहला तरीका जो है इनको प्रोपोगेट करने का वो है इनकी लीव्स के थ्रू। इनकी लीव्स को हमें निकालना कैसे है, सिंपली आप एक लीफ को लेके पीछे से पकड़ने की बजाय, ये काफ़ी बड़ी लीफ है तो ये बीच में भी समटाइम्स टूट जाती है। किसी भी लीफ को प्रोपोगेट करने के लिए इसका ये जो एंड पार्ट है ये बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, इसका जो जॉइंट है। तो इसको प्रॉपरली यहाँ से पकड़ के सिंपली इसको हल्का सा आपको ट्विस्ट करना है और ये आपके हाथ में आ जाएगी। इस तरीके से हमें इसकी जो लीव्स हैं इनको रिमूव कर देना है ताकि हम इसे ईजिली प्रोपोगेट कर पाएँ। तो मैं सारी लीव्स को इसमें से रिमूव कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो भी दूर जो लीव्स निकली हुई थी मैंने उनको ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया है। तो ये जो हमारा रोजेट का पार्ट है इसे भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। किसी भी सकलेंट का जो टॉप पोर्शन होता है जो कि मेन उसका फ्लावर टाइप जिससे बनता है, जो उसका ब्यूटी है सकलेंट की, उसे हम रोजेट बोलते हैं। अभी भी ये दो लीव्स जो हैं वो मुझे थोड़ी सी स्पेस्ड आउट लग रही हैं तो मैं इनको भी अभी रिमूव कर दूँगी। ये दो लीव्स भी मैंने रिमूव कर दी हैं। अब ये बिल्कुल सही पोजीशन में है और अब हमें क्या करना है, इस रोजेट को भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस रोजेट को प्रोपोगेट करने के लिए ये सारी स्टेम को हमें अलग कर देना है इसमें से, और इसका इतना पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे मिट्टी में जाने के लिए, और इतने पार्ट को मैं इसको यहाँ से प्रून कर दूँगी। अब ये हमारा एक प्लांट रेडी हो जाएगा। प्रून करने के बाद एक रोजेट हमारा एक पोट में आ जाएगा, इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये जो स्टेम हमारी बची है इसको भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ी सी ट्विस्टेड है तो मुझे स्ट्रेट फॉर्म में इसे रखना है, तो मैं इसको दो तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप इसका इतना सा पोर्शन भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। एक में इसका टर्न है यहाँ पे, तो एक पार्ट में इसका ये रखूँगी, यहाँ से हो जाएगा, और ऐसे ही एक पार्ट इसका ये बन जाएगा, एक पार्ट इसका ये बन जाएगा, और एक ये, इसको भी मैं हाफ कट कर सकती हूँ, तो एक इसका कट ये हो जाएगा। ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है कि जो लोअर पोर्शन है वही मिट्टी में जाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में। इसके अलावा ये मेरी लीव्स हैं, इनको भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। यही चीज़ अब मुझे अपने बाकी के प्लांट्स के साथ भी करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी से इनकी सब लीव्स को रिमूव कर देती हूँ ताकि ये इजीली प्रोपोगेट हो सके। ऐसे ही थर्ड सकलेंट की लीव्स को भी मैं रिमूव कर दूंगी। जितनी लीव्स इसकी स्ट्रेच्ड आउट आपको लगें आप उतनी ही रिमूव करें, बाकी के पार्ट को आप कंप्लीट रोजेट के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये आई थिंक अभी काफ़ी अच्छी शेप में है तो इसका इतना पार्ट मैं मेंटेन कर लूँगी। अब इसके रोजेट को मुझे प्रोपोगेट करना है तो इस पार्ट को मैं यहाँ से प्रून कर दूँगी ताकि ये हमारा पार्ट जो है वो मिट्टी में चला जाए, और इसे भी, इसकी स्टेम को भी मैं प्रोपोगेट कर सकती हूँ। ये हो गए कुछ मेरे सकलेंट्स जिनको मैं अभी इस तरीके से प्रोपोगेट कर सकती हूँ। तीन रोजेट ये हो जाएंगे और ये हैं इसकी स्टेम्स। स्टेम्स को भी मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ और इनको भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये मेरा मटेरियल अब रेडी है प्रोपोगेशन के लिए। प्रोपोगेट आपको कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं लीव्स की। लीव्स को प्रोपोगेट करने के लिए आपको इनको वन डे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एटलीस्ट 24 आवर्स मिनिमम आपको इनको छोड़ना है ड्राई होने के लिए, एयर ड्राई होने के लिए। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही आप 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें इनको कोकोपीट के ऊपर प्लेस करना है एंड देन हम वाटर स्प्रे कर सकते हैं। मैंने एक ट्रे प्रिपेयर की है कोकोपीट की जिसमें मैं अपनी लीव्स को प्रोपोगेट करूँगी। ये कोकोपीट अभी पूरी तरह से ड्राई है तो एयर ड्राई होने के लिए भी मैं इसी के ऊपर इसको छोड़ दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे लीव्स को सेटल करना है। अब लीव्स को प्रोपोगेट करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लीव्स का ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए। अगर ये पोर्शन डैमेज हो जाएगा तो आपकी लीव्स प्रोपोगेट नहीं होंगी, न्यू प्लांट जो है वो नहीं निकल पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लीव्स को इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है। आई थिंक ये ट्रे मुझे छोटी पड़ेगी इन लीव्स के लिए। ऐसे ही जैसे ये लीव्स मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ ऐसे ही आप इन लीव्स को भी इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं।
तो अभी ये कोकोपीट पूरी तरह से ड्राई है, तो आराम से आपकी जो जो लीव्स हैं एक दो दिन के लिए आप इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, और जब दो दिन के बाद आपका इनका ये जो एंड पोर्शन है जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब आप इसके ऊपर वाटर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको मॉइस्ट रखना है अपने कोकोपीट को, ताकि ये इजीली प्रोपगेट हो सके, लीव्स को मॉइस्चर मिलता रहेगा तो वो इजीली रूट्स डेवलप कर लेंगे कोकोपीट में और बेबी प्लांट जो है वो इनके आसानी से निकल आएंगे। लीव्स को प्रोपोगेट करने के लिए आपको इसमें ये जो पोर्शन है एंड पोर्शन, इसको बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पप्स को निकलने में प्रॉब्लम आती है, तो इनको आप ऐसे ही ओपन रहने दीजिए और अपने आप इस एंड से इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे। यही चीज़ आपको बाकी की चीज़ों के साथ भी करनी है, ये जो रोजेट हैं या ये जो स्टेम्स हैं इनको भी आपको ऐसे ही प्रोपोगेट करना है। आप इनको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दें, जब ये इनका पार्ट ही हील हो जाएगा तब आप इन्हें प्रोपोगेट करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इन्हें अभी लगा दीजिए प्रोपोगेशन के लिए लीव्स की ही तरह, बट उन्हें अभी वॉटरिंग मत कीजिए उनमें। तो ऐसे ही मैं अब इनका सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करूँगी ताकि मैं इन सब रोजेट्स को प्रोपोगेट करके इनको रेडी कर सकूँ, और कोकोपीट की बजाय मैं इसे विदाउट सॉयल जो पॉटिंग मिक्सचर हम सकलेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें मैं लगाऊंगी, ताकि मुझे इसको दोबारा से रिपोर्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए मैंने कुछ एक सॉयल मिक्सचर प्रिपेयर किया है, वो देख लेते हैं। सॉयल मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले एक पार्ट लिया है मैंने इसमें कॉम्पोस्ट का, कॉम्पोस्ट पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, अच्छे से डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे काउडंग कम्पोस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जितना अमाउंट हमने कंपोस्ट का लिया है उतना ही अमाउंट हमें लेना है रिवर सैंड का। रिवर सैंड जो है वो इसको पूरी तरह से पोरस रखने में हेल्प करेगी। उसके अलावा हाफ अमाउंट हमें चाहिए कोकोपीट का, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर ये रिटेन कर सके और मिट्टी भी आपकी अच्छे से पोरस बन सके। इसमें मैं सोयल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने रोजेट्स को एंड स्टेम्स को प्रोपोगेट करना है, उनमें रूट्स नहीं हैं तो फंगस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन तीन इंग्रेडिएंट्स के अलावा फोर्थ इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ यहाँ पे परलाइट। परलाइट बेसिकली जो वोल्केनो इरप्शन से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वही होते हैं ये, और इनके जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे फॉर्म में, ग्रेनुअल्स की फॉर्म में ये होना चाहिए, पाउडरी फॉर्म में आपने इसे यूज़ नहीं करना है, वो बेनिफिट करने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है आपके सकलेंट्स को। परलाइट की जगह पे कुछ लोग थर्मोकोल के पीसीस को भी यूज़ करते हैं, बट मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो प्योरली प्लास्टिक है और आपके सकलेंट्स को वो नुकसान पहुंचा सकती है। उसके अलावा हमें इसमें ऐड करना है नीम खली। नीम खली एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम भी करती है, एक मुट्ठी आप इसमें नीम खली ज़रूर मिला लें। उसके अलावा मैं इसमें यूज़ करती हूँ बोन मील, तो बोन मील भी एक मुट्ठी आप इसमें मिला लीजिए। ये बेसिकली कैल्शियम प्रोवाइड करता है आपके सकलेंट्स को और उसकी स्टेम्स को, उसको मजबूत बनाने में ये हेल्प करता है। तो इन सारे इस मिक्सर को हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने किसी सकलेंट को रिपोर्ट करना है या नर्सरी से लाए हुए सकलेंट्स को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर भी आप यही सॉयल मिक्सर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके सकलेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और काफ़ी हेल्दी रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाने हैं, बहुत ज़्यादा सकलेंट्स आपने ग्रो नहीं करने हैं और इतनी सारी चीज़ें आप सेपरेट परचेज़ नहीं करना चाहते, तो ऑनलाइन आपको सकलेंट्स एंड कैक्टस के लिए बना हुआ सॉयल मिक्सचर तैयार मिल जाएगा। उसके पैकेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं सकलेंट्स की ग्रोथ के लिए। ये सॉयल मिक्सचर पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, आपका जो कोकोपीट है उसमें मॉइस्चर ना हो, ताकि आपके जो रोजेट्स हैं या जो स्टेम्स हैं रोटिंग की प्रॉब्लम उनमें ना हो। अब इसमें मुझे वॉटरिंग अभी नहीं करनी है, वॉटरिंग मैं इसको दो या तीन दिन के बाद करूँगी। देखिए, जब आपके जो सकलेंट्स की जो कटे हुए एजेस हैं अगर आपने ओपन छोड़े हैं तो 24 आवर्स का टाइम इनफ है इनको ड्राई होने के लिए। अब जब मैंने इसको इसमें लगा दिया है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इसके अंदर रहेगी, तो मैं इसको दो तीन दिन बाद वॉटरिंग करूँगी। इमीडिएटली इसमें वॉटरिंग ना करें, वॉटरिंग में डिले हो जाएगा तो चलेगा, बट वॉटरिंग अगर आपने टाइम से पहले कर दी तो आपके सकलेंट्स ख़राब हो सकते हैं। ऐसे ही मैंने इस प्लांट की काफ़ी सारे लीव्स को पहले भी प्रोपोगेट किया हुआ है, जिनके रिजल्ट्स मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। उनमें से कुछ की लीव्स जो हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं, तो वो अभी विदाउट लीव पूरे प्लांट तैयार हो चुके हैं, तो उनका अपडेट मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा सकती हूँ। तो ये मेरे कुछ सकलेंट्स हैं जो मैंने लीव से प्रोपोगेट की हैं। देखिए कितने अच्छे से ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने इनकी लीव्स को सेपरेट लगा के इस तरीके से ग्रो किया था, और यहाँ से जो है ये बेबी प्लांट, इसका आप आई थिंक देख पाएंगे कैसे निकलना शुरू हो गया है
और इसकी रूट्स जो हैं वो आप देखिए कितनी हैवी हैं, कितनी हैवी रूट्स इसने अपनी डेवलप कर ली हैं। एंड यू कैन सी द हैवी रूट्स डेवलप्ड बाय दिस सिंगल लीव। छोटी छोटी सी टाइनी सी वाइट कलर की जो लीव्स रूट्स जो हैं वो आपको दिख रही होंगी, तो ये सारी इसने अपने आप में डेवलप कर ली हैं। और यहाँ से अब इसने इतनी लिए रूट्स डेवलप करने के बाद जो है वो ये बेबी प्लांट डेवलप किया है। समटाइम्स रूट्स पहले बनती हैं एंड समटाइम्स बेबी प्लांट पहले निकल आता है। इसने रूट्स पहले बनाई हैं तो इसलिए इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा हैं। कुछ लीव्स जो हैं वो अपने बेबी प्लांट्स पहले डेवलप कर लेते हैं एंड रूट्स थोड़ा लेट डेवलप करते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है, उनके रूट्स थोड़ी सी कम होती हैं। जैसे ये एक लीफ है, इसी प्लांट के अंदर ये गिर गई थी, तो देखिए कितने अच्छे से इसने अपना बेबी जो है वो डेवलप कर लिया है। ये देखिए, ये एक लीफ है और इसकी एक छोटी सी रूट आप इसके साथ देख पा रहे होंगे, तो इसने कैसे अपना एक जो बेबी प्लांट है ये प्रोपोगेट किया हुआ है। तो ये था वो मेथड एक लैगी सकलेंट को ट्रीट करने का। इससे आपने एक अपने स्ट्रेस्ड आउट सकलेंट को फिक्स भी किया और उसके थ्रू आपने बहुत सारे नए सकलेंट्स जो हैं वो प्रोपगेट भी किए। आने वाले टाइम में किसी न किसी वीडियो में मैं इस पूरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट और उसका अपडेट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि कितनी ईजिली ये सकलेंट्स प्रोपोगेट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि इन सकलेंट्स को जो अभी मैंने लगाए हैं इनको मुझे शेड में रखना है, क्योंकि अभी सनलाइट के साथ इनका जो अंदर का पानी है जिसके ऊपर ये सर्वाइव करने वाले हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, लीव्स ड्राई हो जाएंगी तो वो प्रोपोगेट नहीं होंगी। अभी इनको शेड में रखना है, जैसे ही आपको हल्की सी ग्रोथ इसमें नज़र आए फिर उसे सेमी शेड में शिफ्ट कीजिए एंड देन उसे सनलाइट में ले आइए, ताकि आपकी जो नई ग्रोथ होने वाली है सकलेंट्स की वो लैगी ना रहे, सनलाइट मिलेगी तो वो प्रॉपर अपनी शेप में आते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सकलेंट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब आप अपने सकलेंट्स को ईजिली फिक्स कर पाएंगे और उससे नए सकलेंट्स बना पाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।